इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमेशा ध्यान रखिए, जैसे x इक्वल टू y है, जहां पर भी इक्वालिटी का साइन यूज हो रहा है इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। जिसमें भी इस तरीके का साइन हो, अगर उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हो एंगल के, तो उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहेंगे। अगर वो सही है या ट्रू है, जितने भी वैल्यूज एंगल के उसमें है इन्वॉल्व, तो हम उसे कहेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो इसमें हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखेंगे और उसको देखने के बाद उसी को यूज करेंगे बाकी और आइडेंटिटीज को लाने में, प्रूव करने में। तो अब इस ट्रायंगल को देखिए, एबीसी, ये राइट एंगल्ड है बी में, और यहां पर क्या है, क्योंकि पाइथागोरस लगा सकते हैं हम, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपका ए सी स्क्वायर हो जाएगा ये। अब आप देखिए कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है ए सी स्क्वायर, दोनों साइड को हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ए बी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, ए सी बाय ए सी। ये जो ट्रायंगल था आपका, इसमें ये ए सी है, ये बी है। हमने कहा ए सी स्क्वायर इजिकल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर हो गया। अब ए बी बाय ए सी क्या है, जरा देखिए, ये ए बी बाय ए सी क्या है, यह है आपका परपेंडिकुलर, ये ए बी बाय ए सी, दिस इज ए बी बाय ए सी। कॉस ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, भेजा हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी बाय ए सी क्या हो गया, कॉस ए हो गया। तो ए बी बाय ए सी की जगह आप कॉस लिख सकते हैं कि नहीं सर लिख सकते। साइन ए क्या हो गया, जरा यहां से देखिए, साइन ए क्या हुआ, साइन ए होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि बी सी बाय ए सी। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी बाय ए सी, यहां साइन ए लिख सकते हैं आप, और ये तो खैर कट गया, वन हो गया। तो इससे क्या मिला, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू वन, इसे ही हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि इक्वल का साइन है। ये जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच में सत्य है। अब एक काम करते हैं, जो हमने ए बी स्क्वायर इजिकल टू बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर किया था, अब ए सी स्क्वायर की जगह जरा ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ये क्या बनेगा, ये तो वन बन जाएगा। बी सी बाय ए बी आपका टेन है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाय बेस है। ए सी बाय ए बी हमने देखा था कि ये ए बी बाय ए सी जो था हमारा, अभी हमने देखा ए बी बाय ए सी हमारा कॉस था, तो सेक क्या हो गया, ए सी बाय ए बी, तो ए सी बाय ए बी की जगह सेक लिख सकते हैं, तो ये होगा वन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर इजिकल टू ए सेक स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई। क्या ये ए जीरो के लिए सत्य है, जी हाँ, 90 डिग्री के लिए टेन ए और सेक ए, ए 90 डिग्री के लिए नहीं आपके डिफाइंड है। तो यहां पर जो लेस, यहां पर जो हमने साइन लिया था, याद रखिए ये वाला, इसमें ये इक्वल वाला साइन हटा देंगे यहां पर, तो ये होगा ए जीरो से बड़ा हो बराबर हो, लेकिन 90 से कम हो 90 के बराबर ना हो। अब एक काम करें, उसी काम को जो हमने किया था, बी सी से डिवाइड करते हैं, जरा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर को हम बी सी से डिवाइड करते हैं। अब ए बी बाय बी सी आपने देखा था क्या था, बी सी बाय ए बी हमारा था 10, तो ए बी बाय बी सी क्या हो गया, कॉट, ये वन हो जाएगा। इसी तरीके से ए सी बाय बी सी आपने देखा था अभी, बी सी बाय ए सी हमारा था साइन, तो ए सी बाय बी सी क्या लिख सकते हैं, कोजेक, तो कॉट स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू कोजेक स्क्वायर, ये भी आपकी एक आइडेंटिटी बन। अब यहां पर फिर से बात आती है, जीरो के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि कोजेक और कॉट दोनों ही अनडिफाइंड है। तो यहां पर ये जो ये वाला साइन था पहले, हमने जो फर्स्ट वाली प्रूव की थी, इसको हटा देंगे, तो ये जीरो के लिए नहीं, जीरो से ऊपर और 90 और 90 के बराबर, इनके बीच में ये काम करेगी। तो इससे हम बाकी सब और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसके साथ हम करते क्या है, मान लीजिए आपके पास टेन ए दिया हुआ है, तो कॉट ए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। इससे हम डायरेक्टली सेक निकाल सकते हैं या कॉस निकाल सकते हैं, कैसे, आपके पास टेन दिया हुआ है, अब ट्राइंगल बना के उसके साइड डिवाइड करने से बढ़िया आप क्या करें, टेन ए की जगह कॉट ए कर दें। आपके पास डायरेक्ट एक आइडेंटिटी है, सेक्स स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी जगह आप टेन स्क्वायर ए डाल दीजिए, यानी कि 1/√3 डाल दीजिए, 1/√3 का स्क्वायर होता है 1/3, ये कितना हो गया 4/3। इसी तरीके से सेक ए क्या करेंगे, सेक ए इसका रूट हो जाएगा 2/√3। कॉस ए निकालना है तो इसका उल्टा कर दीजिए, 3/√2। अगर आपको अब कॉस ए मिल गया, आप जरा साइन निकाल लीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिया था,
तो साइन ए लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और अंडर रूट, हमने अभी भी देखा था ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन, तो कॉस ये साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ ले जाइए कॉस स्क्वायर ए, अगर ये रूट हटाना स्क्वायर हटाना है तो यहाँ रूट लगाना पड़ेगा, यही हमने किया है। तो कॉस की जगह सीधा आप जो कॉस का हमने निकाला है रूट थ्री बाय टू, तो उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए आप थ्री बाय फोर, हाफ हो जाएगा ये वन माइनस थ्री बाय फोर इज हाफ। कोज ए के क्या होता है, साइन ए का उल्टा, इसका उल्टा वन बाय टू का उल्टा टू। तो एक टैन से या एक एक केवल एक एंगल से आपको बाकी सारे एंगल मिल जाएंगे। तो एग्जांपल देखते हैं इसमें, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टैन ए सेके इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, तो कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाइए वन माइनस साइन स्क्वायर, यानी कॉस ए क्या हो जाएगा इसका रूट, लेकिन प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी इसको प्लस लेंगे, हम मान रहे हैं कि जीरो से नाइन्टी डिग्री के बीच में, तो हम वन माइनस साइन स्क्वायर ए ले लेंगे। अब टैन ए क्या होता है, साइन ए पे कॉस ए, ओके, तो साइन ए तो साइन ए है, कॉस ए की जगह ये लिख दीजिए। सेक ए क्या होता है, वन बाय कॉस ए, कॉस ए अभी अभी ये निकाला, वन बाय अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए। प्रूव करना है सेक ए वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए इक्वल टू वन होता है। सेक ए की जगह वन बाय कॉस ए लिख दीजिए, वन माइनस साइन ए चलने दीजिए, सेक ए की जगह वन बाय कॉस ए कर दीजिए और टैन ए की जगह साइन ए बाय कॉस ए कर दीजिए। अब देखिए यहां पर इस जगह पे ये कॉस ए इससे कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा, ये कॉस ए अगर यहां से हटा दिया तो वन प्लस साइन ए, इसके साथ जुड़ जाएगा कॉस ए, क्योंकि कॉस ए भी नीचे है, कॉस ए भी नीचे है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, वन माइनस साइन ए, ऊपर बचा वन प्लस साइन ए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर होता क्या है, ये तो खुद ही कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, ये बना जाएगा, ये वन प्रूव हो गया। ऐसे प्रूव करना है कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के माइनस वन कॉस ए के प्लस वन। तो कॉट ए को आप कॉस ए बाय साइन ए लिख दीजिए, कॉट ए को कॉस ए बाय साइन, ठीक, जैसे कॉस ए बाय साइन लिखा माइनस कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए, जरा इनसे कॉस ए कॉमन लीजिए, इससे कॉस ए कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा, वन बाय साइन ए माइनस वन, यहां से भी हमने कॉस ए कॉमन ले लिया, वन बाय साइन ए प्लस वन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, वन बाय साइन ए क्या होता है, कॉस ए के वन बाय साइन ए कॉस ए के, ये कॉस ए के प्लस वन कॉस ए ये वाला और कॉस ए के माइनस वन हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। आपको प्रूव करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, ये वन बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। आपको आइडेंटिटी यूज करनी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये जो सेक और टेन वाली हमारे पास मिली हुई है इसको हम यूज करेंगे, और हम क्या करेंगे कि ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा है इसकी जगह हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस पूरे को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे आपके कॉस से। तो देखिए मैं पहले वाला बताता हूँ ऊपर वाला कैसा होगा, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, सबको आप ऊपर और नीचे का इसी तरीके से आएगा, ऊपर का बता देता हूँ आपको, इसको कॉस से डिवाइड कर दीजिए, कॉस थीटा ये कितना हो जाएगा टेन थीटा, इसमें वन आ जाएगा माइनस वन प्लस ये वन बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। इसी तरीके से नीचे का भी आप कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। जरा टेन थीटा और सेक थीटा को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक साथ ले लिया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा एक साथ ले लिया, ये माइनस वन है ये प्लस, ओके। अब देखिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, आप देखिए जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा और ये यहां ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा यहां पर ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है इसका, जब ऊपर वाला आएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, हम ये जानते हैं माइनस वन होता है क्योंकि सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका माइनस वन आ गया, इसको चलने दीजिए, ये माइनस टेन थीटा प्लस सेक्स थीटा। ये जो नीचे वाला टर्म है यहां से जरा इस वाले ऊपर वाले से ये इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी इस मल्टीप्लाई मत करिए, जो मैं बोल रहा था ना इसको कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी मत करिए इसको, तो मत करिए छोड़िए। यहां पर आप इसको माइनस वन कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये दोनों एक ही तो है, ऊपर माइनस वन है तो सेक को यहां ले आइए, टेन को यहां ले आइए, क्योंकि माइनस अगर नीचे ले जाना है माइनस हटाना है तो इसके रिवर्सल करना पड़ेगा साइन को, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही आपको प्रूव करना था। तो समराइज करते हैं, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर राइट एंगल है बी पे, जैसे अगर इस तरीके से ले
ये बी पे राइट एंगल है, तो साइन ए होता है, मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा, आप सीधा ये परपेंड इसको मान लीजिए, ये अगर एंगल ये है तो इसका परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेनस ये है, तो साइन ए इसको मैं बता देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इस तरीके से याद कर लीजिए, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, इनका उल्टा कर देंगे तो कोसेक सेक और कॉट बन जाएगा आपका। अगर आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसमें एक्यूट एंगल है और तो आप बाकी जो अगर एक पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो बाकी सारे निकाल सकते हैं। जो वैल्यू है 0, 30, 45, 60, 90 की कैसे आती है हमने देखी, जो साइन है कॉस है कभी भी 1 से आगे नहीं जाएंगे, इनकी एक्चुअली अगर देखा जाए तो माइनस 1 से 1 ही रेंज होती है, जो सेक ए कॉस है वो हमेशा इनसे 1 से बड़ा होगा, यानी कि उनका उनका जो रेंज है माइनस 1 और 1 के अलावा है, तो इसको छोड़ के यहाँ यहाँ सारा है। टेन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा या a आप मान लीजिए cosec होता है, और cosec 90 माइनस थीटा sec होता है, ऐसे sin square plus cos square a 1 होता है, sec square minus tan square theta 1 होता है, लेकिन a 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, 0 के बराबर हो सकता है, या cosec square a is equal to 1 plus cot square a, यहाँ पर a 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन 90 से बराबर और कम हो सकता है। तो ये बात की हमने ट्रिग्नोमेट्री की, इंट्रोडक्शन था, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।